नमस्कार साथियों, आज कहानी सुनाने जा रही हूँ उस बाल नरेन की, जिसने बचपन में चाय बेची। कहाँ चाय बेची? उस वार्ड नगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेची जो वार्ड नगर स्टेशन तब बना जब वो पता नहीं कितने बरस का हो गया था, 1965, फिर 70, मतलब जब ये बालक वयस्क हो गया तब ये रेलवे स्टेशन बना। मगर इस बालक ने तो समय से पहले उस रेलवे स्टेशन पर चाय बेची। इतना सच्चा बालक है, आप उस पर शक करते हैं? शक मत करिए, ये बलवान है। आपने कहानी नहीं सुनी रजनीकांत की, थलाइवा की? तो बस, वो तो फिल्मों में है, ये असलियत में है। इस बाल नरेन की कहानी बताऊं। इस बाल नरेन ने बहुत चाय बना के बेची, इतनी चाय बेची, उस चाय में चीनी डाल डाल कर बेची। और अब मुंह में दही जम गई है क्योंकि चीनी बोला नहीं जा रहा। जी हाँ, मैं उस चीनी की बात नहीं कर रही, मैं उस चीनी की बात कर रही हूँ जो दगाबाज है, जिस पर भरोसा किया नहीं जा सकता, जो चौथे फिंगर से आठवें फिंगर तक पहुंच गया है। मतलब चौथे फिंगर से आठवें फिंगर तक पहुंच गया और इस पूरी ज़मीन को इसने कब्जा कर लिया। ये कौन है भला? ये वही चीनी है। इस चीनी का नाम लेने में बाल नरेन को हिचक है, क्योंकि बाल नरेन के दिमाग में कुछ है। वो सोच रहा है कि इन चीनियों को सबक कैसे सिखानी है। अगर चाय में आप चीनी नहीं डालेंगे, और यही कहना है बाल नरेन का, क्योंकि बाल नरेन अब बड़ा हो चुका है और बाल नरेन का कहना है कि चाय में चीनी मत डालना, तभी हम इस चीनी से बदला ले पाएंगे। जी चिनपिंग, इसके साथ झूला झूलेंगे। झूला झूलने का मतलब आप नहीं समझे। इसने झूला उसे झुलाया, इसने उसे चाय पिलाई और उसी में सारी चीनी घोलकर खत्म कर दी। अब पता नहीं कि वो जिनपिंग ने चाय पी या हमारे वाले ने चाय पी, मगर हमारे वाला तो बाल नरेन है। वही वाला अद्भुत बालक जिसने बचपन में मगरमच्छ के बच्चे को लेकर घर पहुंचकर अपनी माता से बात करी और माता ने कहा, नहीं बेटा, इस क्रोकोडाइल का, यानी कि मगरमच्छ का की भी एक माँ है, इस बच्चे को उसकी माँ तक छोड़ाओ। अब आप सोच लीजिए, मगरमच्छ के बच्चे प्यारे होते होंगे, मगर अगर मगरमच्छ का बच्चा आप तक पहुँच जाए तो आप क्या उस पर भरोसा करेंगे? खैर, चीनी ने भी इस पर भरोसा नहीं किया। इसने चीनी भले ही घोल दी हो, चीनी भले ही अपने मुंह से बोल ना रहा हो, भले ही इसके मुंह के अंदर दही जम गई हो, मगर वो मगरमच्छ का जो बच्चा है ना, वो जानता है इसकी असलियत। तो आप भी बच के रहिए इससे, क्योंकि ये वही अद्भुत बालक है जिसने चीनी चाय में घोलकर चीनियों का दम निकाल दिया। जैसे आपने अपने फ़ोनों में से कुछ ऐप निकाल दिए और आपने सोचा कि चीनियों का दम निकल गया, ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने विकास दुबे का घर, गाड़ी सब कुछ तोड़ दिया, जितने वहाँ सबूत मिल सकते थे सबको नष्ट कर दिया और कहा कि हमने बदला ले लिया, मगर उसे पकड़ नहीं पाए, उसे गिरफ्तार नहीं कर पाए। 5 दिन हो गए, अभी तक वो इनके हत्ते नहीं चढ़ा। यही तो होती है अद्भुत बालकों की अद्भुत कहानी। चीनी को चाय में घोल कर पी जाइए, मुंह से चीनी मत बोलिए, मुंह में दही जमा लीजिए। नमस्कार।